दोस्तों वहीदा रहमान जी की पहली बॉलीवुड फिल्म आई साल 1956 में CID और भाई साहब इनकी पहली फिल्म ही बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट हुई थी, मतलब गजब। इसके बाद 1957 में इनकी दूसरी फिल्म आई प्यासा और भाई साहब यह भी सुपरहिट हुई थी। इसके बाद 1958 में इनकी तीसरी फिल्म आई 12 o'clock और यह फ्लॉप हुई थी। इसी साल ही आई थी 16 साल और यह तो एवरेज रही। इसके बाद 1959 में वहीदा जी की फिल्म आई कागज के फूल और यह डिजास्टर रही। इसके बाद 1960 में वहीदा जी की फिल्म आई थी 14वीं का चांद और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म तो सुपरहिट हुई थी। इसके बाद वहीदा जी की फिल्म आई एक फूल चार कांटे और भाई साहब यह भी सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई थी काला बाजार और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म भी सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई थी गर्लफ्रेंड और यह तो फ्लॉप रही। साल 1961 में इनकी फिल्म आई रूप की रानी चोरों का राजा और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1962 में इनकी फिल्म आई साहेब बीबी और गुलाम और यह एवरेज रही। इसके बाद आई बात एक रात की और यह भी एवरेज रही। इसके बाद आई 20 साल बाद और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म तो सुपरहिट हुई थी। इसके बाद आई राखी और यह फ्लॉप हुई थी। साल 1963 में इनकी फिल्म आई एक दिल 100 अफसाने और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई मुझे जीने दो और दोस्त यह सेमी हिट हुई थी। इसके बाद आई कौन अपना कौन पराया और यह तो एवरेज रही। साल 1964 में इनकी फिल्म आई मजबूर और दोस्त यह सेमी हिट हुई थी। इसके बाद आई थी कोहरा और यह तो एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी शगुन और यह फ्लॉप रही। साल 1965 में वहीदा जी की फिल्म आई गाइड और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म सुपरहिट हुई थी। इसके बाद 1966 में इनकी फिल्म आई दिल दिया दर्द लिया और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई तीसरी कसम और यह भी फ्लॉप रही। साल 1967 में इनकी फिल्म आई थी पत्थर के सनम और दोस्त यह तो हिट रही। इसी साल ही आई थी राम और श्याम और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म तो सुपरहिट रही। इसके बाद आई पालकी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी घर का चिराग और यह तो एवरेज हुई थी। साल 1968 में इनकी फिल्म आई बाजी और दोस्त यह एवरेज हुई थी। इसके बाद आई थी नीलकमल और भाई साहब यह तो सुपरहिट रही। इसके बाद आई आदमी और मेरे दोस्त यह सेमी हिट हुई थी। इसके बाद साल 1969 में इनकी फिल्म आई मेरी भाभी और यह एवरेज रही। इसके बाद आई शतरंज और दोस्तों यह हिट हुई थी। इसके बाद आई थी खामोशी और यह सेमी हिट रही। साल 1970 में वहीदा जी की फिल्म आई प्रेम पुजारी और दोस्त यह हिट रही। इसके बाद आई धरती और यह भी हिट रही। इसके बाद आई दर्पण और यह तो फ्लॉप रही। इसके बाद आई थी मन की आंखें और यह एवरेज हुई थी। साल 1971 में इनकी फिल्म आई रेशमा और शेरा और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई मन मंदिर और यह तो एवरेज रही। साल 1972 में वहीदा जी की फिल्म आई जिंदगी जिंदगी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई दिल का राजा और यह भी फ्लॉप रही। इसके बाद आई सुबह और शाम और यह एवरेज रही। साल 1963 में इनकी फिल्म आई फागुन और यह फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी इंसाफ और इसके बाद साल 1976 में वहीदा जी की फिल्म आई कभी कभी और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म तो सुपरहिट हुई थी। इसी साल ही इनकी फिल्म आई अदालत और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद 1978 में वहीदा जी की फिल्म आती है त्रिशूल और भाई साहब यह तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद 1979 में इनकी फिल्म आई आज की धारा और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1980 में इनकी फिल्म आई ज्योति बने ज्वाला और दोस्त यह हिट हुई थी। इसके बाद आई ज्वालामुखी और यह एवरेज रही। इसके बाद साल 1982 में वहीदा जी की फिल्म आई नमक हलाल और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म तो ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद आई सवाल और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई धर्म काटा और यह सेमी हिट रही। इसके बाद आई नमक
नमकीन और दोस्त यह भी सेम हिट हुई थी। साल 1983 में इनकी फिल्म आई हिम्मत वाला और भाई साहब यह तो सुपर हिट हुई थी। इसके बाद आई महान और यह फ्लॉप रही। इसके बाद आई घुंगरू और यह भी फ्लॉप हुई थी। इसके बाद आई थी कूली और भाई साहब वही दाजी की यह फिल्म तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हुई थी। इसके बाद आई थी प्यासी आंखें और दोस्त यह तो फ्लॉप रही। साल 1984 में इनकी फिल्म आई मसाल और यह एवरेज रही। इसके बाद आई मकसद और यह सेम हिट रही। इसके बाद आई सनी और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1985 में आई बाएं हाथ का खेल और यह फ्लॉप रही। इसके बाद 1986 में आई सिंहासन और यह एवरेज रही। इसी साल ही आई अल्लाह रखा और यह भी एवरेज हुई थी। इसके बाद साल 1989 में वहीदा जी की फिल्म आती है चांदनी और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म तो सुपर हिट हुई थी। इसके बाद 1991 में आई लम्हे और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद 1994 में आई थी उल्फत की नई मंजिले और यह फ्लॉप रही। इसके बाद साल 2002 में आई ओम जय जगदीश और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद साल 2005 में आई वाटर और यह फ्लॉप रही। इसी साल ही आई मैंने गांधी को नहीं मारा और यह एवरेज हुई थी। इसके बाद साल 2006 में इनकी फिल्म आई रंग दे बसंती और भाई साहब वहीदा जी की यह फिल्म सुपर हिट हुई थी। इसके बाद 2009 में आई दिल्ली 6 और यह तो हिट रही। इसके बाद इनकी फिल्म आई थी लव इन मुंबई। दोस्तों लेकिन आपको बता दे कि इस फिल्म को तो साल 1974 में ही बनाई गई थी, लेकिन किसी कारणवश इसे साल 2003 में रिलीज की गई थी और यह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद साल 2008 में इनकी फिल्म आई विश्वपुरम 2 और दोस्त यह तो हिट हुई थी। इसके बाद साल 2021 में इनकी फिल्म आई स्केटर गर्ल और दोस्तों इसे OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पे रिलीज की गई थी। तो दोस्तों यह था वहीदा रहमान जी का फिल्मी सफर। आपने इन सभी फिल्मों में से इनकी कौन सी फिल्में देखी है हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम।